आज हम लोग बात करेंगे एक मॉड के बारे में। बेसिकली जब मैंने मॉड्यूलर अरिथमेटिक के बारे में डिस्कस किया था, वहां पे मैंने आपको मॉड फंक्शन के बारे में बताया था, ये किस तरीके से वर्क करता है इस बारे में भी डिस्कस किया था। लेकिन लोगों को कुछ कंफ्यूजन है और कई लोगों ने मुझसे कमेंट के थ्रू मॉड से रिलेटेड डाउट पूछे। मैंने उनको कमेंट के थ्रू ही उनका जवाब देने की कोशिश की, उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ कंफ्यूजन रह गया और ये लोग चाहते हैं कि मैं एक वीडियो के थ्रू उनको एक्सप्लेन करूँ। तो ये वीडियो उन्हीं के उन डाउट को क्लियर करने के लिए है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मॉड की बेसिक डेफिनेशन को समझते हैं, फिर उनके डाउट की तरफ बढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरीके से उस डाउट को क्लियर किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मॉड की, तो मॉड का क्या मतलब है? यहाँ पे हमारे पास अगर लिखा हुआ है कहीं पे एक्स मॉड वाई, अगर एक्स मॉड वाई लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब हुआ? एक्स मॉड वाई का मतलब क्या हुआ? इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से कि वेन एवर एक्स डिवाइड बाई वाई और जो गेट रिमाइंडर बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा आर, इसको इस तरह से मैं लिखता हूँ आर, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। यानी कि हम जब एक्स को डिवाइड करेंगे वाई से, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए एक्स की वैल्यू 15 मॉड 10, अगर हम इसको इसका रिमाइंडर निकालें तो कैसे निकालेंगे? 15 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो जाहिर सी बात है ये वन टाइम्स जाएगा 1 10, यहाँ पे 5 बचेगा, तो बिल्कुल सिंपल डिवीजन है। तो ये 5 जो है जब तक ये 10 से बड़ा रहता है तब तक हम इसको डिवाइड करते जाते हैं। जो यहाँ पे 5 वैल्यू बची जो कि हमेशा 10 से छोटी आएगी वो हमारा रिमाइंडर होता है। तो ये मॉड का फंक्शन है। अब उस डाउट पे आते हैं जो लोगों ने डाउट पूछा हुआ था। तो डाउट उनका कुछ इस तरीके से था कि 2 मॉड 10 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, ये हमें पता है, लेकिन वो कन्फ्यूजन कि ये 2 क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले तो उनका तर्क ये था, उन्होंने इसको मिस इंटरप्रेट किया था। उन्होंने इसको क्या समझा था कि हमें 10 को 2 से डिवाइड करना है, यानी कि वो थोड़ा सा इसको उल्टा समझ लिए थे कि 10 को 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 10 को 2 से नहीं बल्कि 2 को 10 से डिवाइड करना है, यानी कि 2 डिवाइड बाई 10, इसको इस तरीके से लिखना है, यानी कि इसको 2 बाई 10 लिखना है, उसके बाद इसका रिमाइंडर निकालना है। तो ये तो ठीक है, ये तो मैंने जब उनको बताया कि इसको ऐसे नहीं कैसे इसको हमें 10 को 2 को 10 से डिवाइड करना है, तो दूसरा उनका कन्फ्यूजन क्या होगा कि अगर हम 2 को 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? 2 डिवाइड बाई 10, तो इसको जनरली वो बोल रहे हैं 0.2 इसका आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें डिवाइड नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर निकालना है। ये कन्फ्यूजन काफ़ी लोगों को होगा, तो यहाँ पे हमें इसको डिवाइड नहीं करना, ये रिमाइंडर नहीं, ये डिवीजन हो गया, हमें डिवीजन नहीं करना है, हमें रिमाइंडर निकालना है। तो मॉड का मतलब क्या है कि अब इसको मैं बेसिक डेफिनेशन में लेके जाता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो। यहाँ पे x mod y का मतलब है कि अगर आप इसको बेसिक डेफिनेशन के थ्रू समझें तो इसका मतलब ये है कि x माइनस y हमें करना है, और हम कहें x माइनस n y करना है सो डैट इट विल बी लेस देन y। इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे x को तब तक y सब्सक्राइब करना है जब तक कि हमारा x जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो y से छोटा ना आ जाए। जैसे 15 मॉड 10 को समझते हैं, थोड़ा सा मैं इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस तरह के डाउट है उस तरह को समझाने के लिए यही तरीका बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे 15 मॉड 10 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे 15 माइनस 10 करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी? 5। क्या 5 10 से छोटा है? हाँ, 5 10 से छोटा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 25 मॉड 10, अब इसको कैसे करेंगे? तो 25 माइनस 10 कितनी वैल्यू आएगी? 25 माइनस 10 15। क्या ये इससे 10 से छोटा है? नहीं, 10 से छोटा नहीं है, तो फिर से 15 माइनस 10 5। क्या ये 10 से छोटा है? यस, ये 10 से छोटा है, तो वैल्यू आ जाएगी 5। अब अगर हम बात करें, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 150 या 112 मॉड 10 ले लेते हैं, या मॉड कोई वैल्यू रहेगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 112 माइनस 10 कितना आएगा? 102। फिर ये 10 से बड़ा है तो 102 माइनस 10 ये कितनी वैल्यू आएगी? 92। फिर 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 92 माइनस 10, ये कब तक करेंगे? जब तक ये वैल्यू 10 से छोटी नहीं आ जाती। कितना आएगा? 82। अगली बार में आएगा 72, अगली बार में आएगा 62, फिर 52, फिर 42, फिर
32, फिर 22, आफ्टर दैट 12 एंड आफ्टर दैट 2, और ये जैसे 10 से कम हो जाता है तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। अब अगर हम इसको यहाँ पे जिस तरीके से मैं बता रहा था उसी तरीके से बताऊँ तो कैसे होगा, अगर हम इसको सिंपली अब इसी एग्जाम्पल को हम इस तरीके से समझते हैं, 1 1 2 डिवाइड बाय 10, तो ये क्या होगा, 1 10 1 2 यहाँ आएगा, उसके बाद 1 तो आएगा 10 एंड 2, ये जो फाइनल आंसर बचता है यही हमारा रिमाइंडर है। तो देखिए आप इसको डिवाइड करके भी सीधे निकाल सकते हैं या फिर सबट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं। तो ये कन्फ्यूजन पहले तो क्लियर कर लीजिए, अब मैं इन कन्फ्यूजन को समराइज कर रहा हूँ जो कुछ भी मैंने अभी आपको अब तक आपको बताया है। सबसे पहले तो आपको यहाँ ये समझना है कि कहीं लिखा है एक्स मॉड बाय, जब x मोड बाय लिखा है इसका मतलब है आपको x को बाय से डिवाइड करना है, x को डिवाइड करना है बाय से, एंड द और हमें फाइंड करना है रिमाइंडर, हमें क्या फाइंड करना है रिमाइंडर। तो ये मोड कब, चूंकि इसकी वैसे जरूरत नहीं थी इस वीडियो की लेकिन लोगों को कन्फ्यूजन बहुत ज्यादा था, तो आपको अगर मोड के बारे में पहले से जानकारी तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसी भी वैल्यू के मॉड निकालना है, और ये मैंने बहुत सिंपल बताया है, मॉड बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से निकाला जाता है, बहुत ही बड़ी बड़ी वैल्यूज के लिए मॉड निकाला जाता है, तो उसको मैंने मॉड्यूलर अरिथमेटिक में कवर किया है, उसके जो मेथड्स हैं उनके बारे में बताया है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मॉड की बेसिक डेफिनेशन में यहाँ पे बता रहा हूँ। तो मॉड हमेशा जब भी कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, हमें उसको डिवाइड करना होता है फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करके, तब तक डिवाइड करते हैं जब तक हमें जो रिमाइंडर है, ये एक बात ध्यान रखिए रिमाइंडर हमेशा इस वैल्यू से छोटा होगा, यानी कि y से छोटा होगा। जैसे यहाँ पे 2 mod 10 था तो रिमाइंडर 10 से हमेशा छोटा होगा, यानी कि 0 से लेके 9 के बीच में होगा, 10 कभी नहीं हो सकता, 0 से 9 के बीच में ये रिमाइंडर होगा। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मॉड बेसिकली वर्क कैसे करता है। मॉड का मतलब हमें इसका रिमाइंडर निकालना है। जैसे हम बात करें 18625 मॉड 10, तो आप इसको आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इतना हिस्सा गायब हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 5, क्योंकि जब भी हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 18620 प्लस 5, ठीक है। तो हम 10 को इतनी टाइम्स घटाएं तो हमें 5 मिलेगा लास्ट में, तो हमें यही रिमाइंडर होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे लिखा है 12625 मॉड 5, तो इसका मतलब भी आप यहाँ पे 5 आंसर ले लें, नहीं, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये 5 से टोटली डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब हमारा रिमाइंडर आएगा 0। अगर यहाँ पे बात करते 5 है और यहाँ पे बात कर देते हम यहाँ पे 3 है, तो इसके दो पॉसिबिलिटी हो सकती थी, या तो ये 3 आता इसका आंसर या फिर 2 आता, यानी कि 0 से लेके 0 से लिए इसके पॉसिबिलिटी 3 आने की है, ज़्यादा है, 0 से लेकर 4 तक आ सकता है। तो देखिए लास्ट में यहाँ पे 20 होता, अगर 20 तो सीधे सीधे डिविजिबल हो जाता, 2620 तो सीधे सीधे डिविजिबल हो जाता, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कह सकते हैं कि हमारा 3 आंसर होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे देख के आंसर नहीं बताना है, और ये आंसर आपको इस तरह से प्रिडिक्ट नहीं करना है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इस तरह से आंसर प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, 2 mod 10 2 कैसे आ रहा है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बेसिकली मेरा मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके इस डाउट को क्लियर करने के लिए बनाया हुआ था, कि आप इसको ऐसे बिल्कुल ना सोचें कि इसकी वैल्यू आएगी 0.2, क्योंकि हम टोटल डिवाइड तब तक करना है जब तक यहाँ पे हमें इंटीजर मिले, हम इसको पॉइंट में डिवाइड नहीं करना है। पॉइंट में हम डिवाइड करेंगे तो हमेशा फिर रिमाइंडर 0 आएगा, फिर तो रिमाइंडर का कोई वैल्यू मतलब ही नहीं रहा, तो पॉइंट में नहीं, हम इंटीजर में डिवाइड करेंगे।